मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर महानगर में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति के बस में बैठकर नगर निगम से एक कार्यक्रम स्थल तक ट्रायल किया। आपको बता दें कि कल से महानगर के सड़कों पर 15 बसें दौड़ेंगी, जिसमें आम नागरिकों को सस्ते किराए में यात्रा का लाभ मिलेगा तथा यह यात्रा 5 रुपए से शुरू होगा और अधिकतम 25 रुपए तक होगा। जिसके संबंध में TMI के कंसंट्रेटर जयदीप वर्मा ने बताया कि यह बस इलेक्ट्रॉनिक बस एक बार में चार्ज करने पर 140 किलोमीटर चलती है तथा इस बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम है जो आग लगने पर खुद ही बस बुझा लेगा तथा एयर सस्पेंशन भी है जिससे गड्ढों में भी किसी को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बस में 5 कैमरे लगे हैं जिससे महिला नागरिकों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी तथा यह सिस्टम ITMS कार्यालय से जुड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि बस में 28 लोग बैठ सकते हैं तथा 13 लोगों के खड़ा होने की व्यवस्था की गई है। बस की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस महसरा से इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट तथा नौसर 3 रूटों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका किराया 5 रुपए से 25 रुपए तक है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक फतेह बहादुर सिंह, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पहली महिला चालक पूजा प्रजापति तथा TMI के कंसल्टेंट जयदीप वर्मा ने कहा, जनपद के प्रांगण में संपन्न होना है। आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और परिसरों में यात्रा परिचालन हरी झंडी दिखाकर किया जाना है। विकास की यात्रा में जब हम कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक होता है कि विकास की शिक्षा का क्षेत्र हो, आवश्यकता हो पोषण की, आवश्यकता हो सहभागिता की, समृद्धता की हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। इलेक्ट्रिक बस से कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं? अगर सीधे गोरखनाथ मंदिर तक जा सकते हैं? नहीं नहीं, होटल तक जा सकते हैं, होटल तक जा सकते हैं, होटल में कार्यक्रम है, होटल तक जा सकते हैं। सर थोड़ा सा लगेगा भाई, पंडित जी आ जाइए। तुम बस चलेगी उसके पीछे पीछे चलना, गाड़ी को काफी अभी बुकलेट बनी है, कोई बात घूम के गाड़ी हमारी नहीं आने देंगे। अब आप ही बताओ इसमें कैसे भेजेंगे? इसके पास है फोटोग्राफर महाराज जी, थोड़ा सा
अरे भाई अरे आगे बहुत अरे तो हाँ जी है लगे जी पीछे ये देखिए देखिए ये सही रहा बता यार अरे यार अरे भाई भैया हटिया यार नीचे बैठ जाओ ना बैठ जाओ नीचे हटो फिर अब भैया क्या हो जाए भैया अब क्या हो जाए महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी आगे आ जाइए आगे 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 आ जाइए आगे आ जाइए आगे यहाँ यहाँ आ जाइए थोड़ा तो महाराज जी जगह बस आगे बस बस ठीक है बस महाराज जी बस भगवान नीचे ले लीजिएगा भैया पीछे हो जाओ यार तुम लोग गजब यार पीछे हो जाओ ना हम लोग कहाँ बनना है चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो बस बस निकल जाने दो चलिए चलो मेरा नाम पूजा प्रजापति है और मैं एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं हॉकी की नेशनल प्लेयर भी हूँ और जो है मैं जो हैवी व्हीकल्स हैं इनको चलाने का शौक़ रखती हूँ जैसे 4x4 की गाड़ियाँ आर्मी की और मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी किया हुआ और एनएसएस से मैंने राजपथ भी चला है 2020 में जो हमारा 26 जनवरी राजपथ परेड होता है और मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे जो हमारी गोरक्षनाथ की पावन धरती है हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ की महिलाओं को यहाँ की लड़कियों को इतना प्रोत्साहित करें इतना उनका मनोबल बढ़ाएं कि यहाँ की लड़कियाँ भी इस प्लेटफॉर्म पर आएं आ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे क्षेत्र का काम नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हीं के मोटिवेशन के लिए उनके मनोबल के लिए मैंने बस को चलाया शहर में और आज हमारे साथ मुख्यमंत्री महोदय भी थे उन्होंने हरी झंडी दिखाई और हमारी बस में सफ़र करके वो शास्त्री चौक से रेडिशन ब्लू होटल तक गए मोदीपुर और उन्होंने भी मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने मुझसे दो चार सवाल जवाब भी किए तो काफ़ी शानदार रहा था आज का दिन। कहाँ से बसें चलेंगी कहाँ से कहाँ तक? सर हमारी बसें तीन रूट के लिए डिसाइडेड हुई हैं एक नौसड़ के लिए एक जो है सर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज रूट है एक एयरफोर्स रूट है। क्या किराया सर? मिनिमम किराया इसका है 5 रुपये और मैक्सिमम किराया है इसका सर 25 रुपये। मैं जयदीप वर्मा कंसल्टेंट हूँ PMI में जिसने इस बस को बनाया है। ये बस इलेक्ट्रिक बस है इसमें 140 किलोमीटर एक बार चार्ज होने से चलती है गाड़ी और इसमें फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है जो आग लगने से अपने आप इस बस को वो उसको बचा सकता है और साथ में इसमें एयर सस्पेंशन है गाड़ी में कहीं भी आपको गड्ढे होते हैं या स्पीड ब्रेकर आते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी और पैनिक बटन है 5 कैमरे लगे हुए हैं और इसका ITMS से लिंक रहेगा इसका पूरा ITMS से लिंक रहेगा जिससे कि बस कोई भी समस्या होगी तो सीधे पुलिस में और उसके कंट्रोल रूम में जाएगी।
अब 15 बसें अभी गोरखपुर में, 10 बसें बाद में आएंगी, 15 आज आ गई, 10 बसें मार्च तक आएंगी। सर कितनी क्षमता है इसमें? इसमें 28 प्लस 13, 28 बैठने की है और 13 लोग खड़े होने की।